सुदिव्यवाणीम ही णमीऊणम निगंत वत्तु विज्जम निरूवेमो। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ हम सभी जिन आगम के अनुसार वास्तु एवं मंदिर निर्माण के विषय का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो लोग प्रत्यक्ष में हैं उनकी जो भी विकल्प हो, जिज्ञासा हो, यहाँ समाधान कर लें, जो परोक्ष में हैं वो यहाँ आके कर लें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक है। कौन सा अधूरा ज्ञान हानिकारक है? कल अपन ने यहाँ पर घर की आयु, आय, वार, नक्षत्र इत्यादि के द्वारा जाना था। क्या जाना था? कि घर में शुभ अशुभ कैसे जानते हैं। कल आपको होमवर्क मिला था, एक क्या साइज था? 22-40। तो 22-40 का आय कितना आया? कोई कह रहा दो, कोई कह रहा एक। 22-40 हाथ से है कि फिट से है? हैं? सबसे पहले निकालना चाहिए ग्रह पिंड, है ना? 22 गुणित कितना हुआ ये? भागित डेढ़ कितना आया? 5.66। ये अपना आया ना, आप इसको इतना लेके चलना। 87 लिया तो आपको पॉइंट लेके नहीं चलना, कोई बात नहीं, अभी अपने 87 ले लिया है, अपन अब आगे चलें। देखो एक नंबर से बदल जाएगा कि नहीं? एक नंबर से। ये हाथ फिट को हाथ में बनाने के लिए फिट है, एक फिट में डेढ़ फिट का एक हाथ, 18 इंच का। अच्छा आप लोगों का क्या मानना है 0.66 को क्या करना चाहिए? मेरा ये कहना है कि आप अगर इसका इंच बनाओगे कम से कम आधा फिट तो आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा? हाँ, आधा फिट से, आधा फिट बोलेंगे अपन तो आधे हाथ से ज्यादा होगा, मतलब लगभग लगभग एक फिट के पास पहुंच जाएगा, है ना? तो आपको इसको ऊपर बढ़ा के लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब देखो क्या क्या बदलता है, इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा देखते हैं। अपन तो लेके चलते हैं ना कि क्या निकल रहा है। जिसने 586 निकाला है कोई बात नहीं, आप तो 586 को लेके चलो, कोई बात नहीं। 586 माना कि आपके घर ने कि इतना ही निकला है तो क्या दिक्कत है? माना कि यही कैलकुलेशन निकला है आपका तो क्या प्रमाण आ रहा है? अपन तो अभ्यास कर रहे हैं ना। पॉइंट आए आधे के ऊपर अपन प्लस में लेके जाओ, 0.5 के ऊपर आप उसको आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ आप, क्योंकि वो उसके निकट में आ गया ना। 0.75 होगा तो वहीं लेके जाएंगे अपन। मैथमेटिक्स में कहते थे 0.5 के ऊपर उस तरफ लेके जाते हैं। चलिए इसको हो गया 0.77। अब इसकी इसकी आय कितनी आई है बताइए, ये सबका आया है? हाँ कोई बात नहीं, अपन दो लेके चलते हैं। एक व्यक्ति 586 वाले हैं, एक 587 वाले हैं, अपन दोनों लेके चलेंगे। 0.4 आता है तो अपन उसको फिर नीचे लेके आना, क्योंकि 0.4 में आपके 6 इंची होगा, तो 6 इंची को अपन को उतना महत्व नहीं देना, क्योंकि अपन बहुत बड़ी चीज निकाल रहे हैं ना। चलिए आय कितनी आई इसकी? आय इसकी सबकी एक आई है, हैं? जिनवाणी पैर में नहीं रखते
इसकी कितनी आई है, खाली कर लो टेबल आप ही, हाँ सब। अरे इधर देखो भैया, इसकी आय कितनी आई, एक, और इसकी, चलिए आय एक आई, मतलब शुभ है कि अशुभ, आप एक बार आय लिख लो, आप लोगों को आय का भी ज्ञान हो जाए कि कौन कौन सी आय शुभ है, कौन कौन सी अशुभ है। सुनिए लिखिए, एक मतलब ध्वज आय, लिखते जाइए आय के नाम, एक मतलब ध्वज, एक मतलब, दो मतलब धूम्र, दो मतलब अथवा अग्नि, तीन मतलब सिंह, आगे कह रहे हैं चार का होता है स्वान, स्वान, पांच मतलब वृष, वृष, दूसरा नाम इसका है धन, छठवी है खर, खर यानी गधा, सातवी है गज, और आठवीं है काक, काक मतलब होता है ध्वांस, ध्वांस दूसरा नाम इसका। इसमें से कौन कौन सी शुभ अशुभ है, तो एक, तीन, पांच, सात अपन लोगों के लिए मांगलिक के लिए शुभ है, लेकिन कभी जब सर्वेंट क्वार्टर के लिए आगे पढ़ाएंगे आपको हम, जब सर्वेंट क्वार्टर बनाएंगे तो वो शुभ आयो में नहीं बनाया जाएगा, नहीं तो राजा बन के रहेगा। किसके लिए, उनके लिए वैसी बनाई जाएगी, कौन कौन से, कौन वो चौकीदार है कि मैनेजर है, वैसी आय पे काम करोगे तो वैसा फल मिलेगा। ये अपन ने आय लिख ली ना, अपन अब आगे चलते हैं। हाँ एक मिनट बताते ना, अभी आपकी, अभी अपन उसी पर आ रहे हैं, अब आप बताइए क्या आया आपका। चलिए इसकी आय कितनी आ गई, एक, हाँ इनकी तीन कैसे आ गई भैया, 587 भागे सिंह, इसकी सिंह आय आई मतलब शुभ है। आगे चले, चलिए इसका वार क्या आया, मतलब शुभ है, क्या रहा है, लेकिन अपन को लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अपन को लेके ही चलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े अपन लोग, अंश क्या आया है, अंश, यमरांश, यमांश आया, क्या आया, चलिए आगे बताइए, ऋण ज्यादा है कि धन, ऋण कितना है, आठ, और धन है, नहीं इसमें ऋण नहीं, वो तो देखो आपको वैसे ही लेना चलेगा ना, ऋण कितना आया आप लोग का, नहीं निकाला आप लोगों ने, ऋण आठ आया, धन चार, मतलब माइनस। और आगे चलते हैं, नक्षत्र, चलिए इस 587 में आपने कितने का गुणा किया, आठ का गुणा किया, और भाग शेष क्या बचा, 25 बचा, 586 में यहां नीचे क्या बच रहा है, 87 में कितना बच रहा है आप लोग का, हाँ नहीं ये कितना आ रहा है, 27 × 18 हाँ आठ, आठ सात छप्पन,
एट कैसे बचा भैया, ये तो नाइन ही बचेगा, नहीं तो 199 ही है ना। तो हम निकाल लेंगे भैया अपने, तो मोबाइल खराब हो जाए। आप लोग के पास मोबाइल कैलकुलेटर नहीं है? आपके बच्चा ये कितनी बार जाएगा अभी? तीन बार। क्यों भैया? शेष कितना बचा? 25वां नक्षत्र कौन सा है? 25 अभी नक्षत्र नहीं देखे, अभी भागित करेंगे इसको किससे? 9 × 2 = 18। बच्चा कितना? सब 7 सुबह की अशुभ। ये फिर से करते हैं ना, नक्षत्र निकाल समय कल बताया था, प्रक्रिया ही ऐसी है। क्या आया आपका? अच्छा, अब इतना निकालने के बाद आगे कौन निकालेगा कि भैया छोड़ो, कोई काम का ही नहीं बचा ना अब तो उसकी आय तुरंत बदल लो, इतना पूरा मत निकालने बैठ जाना। अब इसके बाद इसकी तिथि क्या आई? चलो एक चल जाएगी, है? चलो कोई बात नहीं। फिर योग या इनका आया 26, कौन सा है 26वां योग? कौन सा है, कैसा योग है वो? ठीक है। और आयु कितनी है? 16 साल की है। तो ये है? किसकी? और 86 की है। चलो, मतलब अपन को इसका इनर लेवल थोड़ा कम ज्यादा कर लेना चाहिए, थोड़ी बहुत आपको कम कर लेना चाहिए, ज्यादा कर लेना चाहिए। तो जो कर सकते हो वो कर लो। अब ये कब करोगे? बनाने के बाद की पहले हैं? अगर बनाने के बाद निकाले तो सब तो गया। हाँ, वो पूरा ये सोमपुरा वाले कहलाते हैं, वो ऐसा बना के रखे हुए हैं कि 21x20 का कॉम्बिनेशन, 21x25 का, वो पूरा निकाल के रखे हैं, सिर्फ बटन दबाते हैं कि आप अगर साइज का है, वो तैयारी करके रखे। वो पे लाख रुपए लेता है एक व्यक्ति, उसका तैयारी करा तो पैसे भी तो लेगा। चलिए, हाँ, अब किसी का बना बनाया हो तो अब आप उसमें निकालो और कम ज्यादा कर लो। आज अपन पढ़ते हैं मंदिर की वेदी की आय कैसे निकालते हैं, कैसे मंदिर की वेदी की और कमल की आय। अपन बोलते ना, भगवान को किस पे रखा आपने? सिंहासन पे। सिंहासन मतलब सिंह आय वाला आसन, सिंह आय वाला आसन। सिंह आय मतलब 3 शेष बचे तो सिंह आय। आया समझ में? सिंह आए ना, 3 बचे जिसमें, तो उसमें भगवान का आसन होना चाहिए। जो मूल नायक भगवान की वेदी हो, ध्वज आए पर होना चाहिए। आजू बाजू की सिंह और गज चलेगी, मूल नायक भगवान की ध्वज आए पर होना चाहिए। ये कहीं का नियम नहीं है कि वेदी कमर के ऊपर बने, इस बात को दिमाग से निकाल देना। ऐसा मानोगे तो गोमटेश्वर नहीं जा पाओगे आप, ये कोई नियम नहीं है। अच्छा, आपने वेदी की मतलब माना कि ये जो कमर से 33 इंच 35 इंच ले ली, और वो अपना कालाई नगर का लड़का चला गया 6 फिट 10 इंच का है, तो उसकी तो 5 फिट तो नाभि ही है। अब कितनी बड़ी वेदी रखोगे तो वो झुक झुक के दर्शन करेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कहीं, कोई दोष नहीं है नाभि के नीचे वेदी का, कहीं दोष नहीं लिखा। हमने पूरे वास्तु पढ़े, कम से कम 11 ग्रंथ हमने पढ़े, कोई दोष नहीं है, हुआ हुआ है। चलिए, वेदी की आय, जिनालय की वेदी की आय कैसे निकालते हैं? जिनालय की वेदी की आय गलत है,
लोहे के सिंहासन सोने जैसे भगवान के लिए धिक्कार है उसके ऊपर जो रख रहा है। पत्थर का रख दो वो अच्छा है, लोहे का नहीं। अरे मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, इतना सुंदर ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ये कमलासन है माना कि भगवान का, मार्बल का बनवा लो, 5,000 रुपये का बनेगा, 3,000 रुपये का बनेगा एक मार्बल का, ठीक है। उसमें चांदी चढ़वाओ पूरे में, चारों तरफ, यहां भी नीचे भी सभी जगह क्या चढ़वाओ, चांदी चढ़वाओ। 200 ग्राम ज्यादा नहीं चढ़ेगी। कितने का हुआ चांदी, कितनी हुई, 10,000 की हुई। फिर इसमें पीछे डंडी लगाओ, छेद करवाओ, एक चांदी की डंडी लगाओ, छत्र लगाओ, 20,000 का सिंहासन किसका, चांदी का। आप 10,000 का लोहे का लाते हो, सही है। पीछे के भगवान दिखते कि नहीं। एक बात और ध्यान रखना, यहां पर वास्तु का नियम है, सभी लोग ध्यान से सुने, वास्तु का नियम है। अगर पीछे के भगवान ढक रहे हैं, मूल नायक भगवान का चिन्ह ढक रहा है, उस विधि से आपको नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी, पॉजिटिव नहीं मिलेगी। पीछे के भगवान ढक रहे हैं, तीन तीन छत्र लगाया आपने, सो पीछे के भगवान ढक गए। या तो आप वेदी में मूर्ति कम रखो या व्यवस्थित रखो। आप देख के आओ अंजनी नगर में सिंहासन कौन से रखे, कमल पीछे से एक डंडी और इसी में पीछे एक छोटा सा वो भामंडल भी। भगवान से भगवान ढके तो और अशुभ है, बिल्कुल नहीं। जैसे दिख रहे ना ऐसे पूरे खुला दिखना चाहिए। आप वेदी की कटली बढ़ाओ, आज आपको बताते हैं, पर वेदी की आए ये फॉर्मूला है। चलिए देख लें, ये आपकी एक वेदी है। इस वेदी को अपन साइड से खड़े होकर देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये पीछे का मार्बल और एक वेदी है। इसमें सिंगल कटली है, इसमें कितनी कटली है, प्रयास करें कि तीन से अधिक कटली ना बनाए, बनाना पड़े कभी 3, 5, 7। प्रयास करें कि तीन से अधिक ना बनाए, बनाना पड़े तो 3, 5, 7, सम नहीं चलेगी, विषम ही चलेगी, ठीक है। अब अपन हाइट कहां तक की नापेंगे देखते हैं। इतनी हाइट ली जाएगी वेदी की आय में, जहां तक तीसरी कटली है जहां तक भगवान है, कमल नहीं, कमल रखा हुआ, कमल नहीं लेना, यहां तक की हाइट। यहां तक की गहराई, गहराई समझ गए, और चौड़ाई लेना, जैसे हमारी टेबल, ये क्या हो गई हमारी, तो सामने की चौड़ाई, अंदर की गहराई और ये ऊंचाई। ऊंचाई कहां तक की लेना, जहां तक तीसरी कटली, जहां तक अंतिम कटली है। बाहुबली भगवान की वेदी में कितनी कटली है, एक, बस नीचे चबूतरा है, बस कुछ नहीं। देखिए ये पहली कटली, ये केवल चबूतरा चढ़ने उतरने के लिए अष्ट प्रातिहार रखना है, यंत्र आदि रखना है, रखकर अभिषेक करना है उसके लिए। राजस्थान में देखो आप, तीन कटली का देखा, बड़ा चबूतरा होता है 10 फीट का, महाराष्ट्र में वहीं बैठ के अभिषेक करते हैं ठोस में, तो ठोस रहते हैं। और अब तो जगह ही नहीं बची ना, अब इसकी आय कैसे निकालते हैं, नहीं हटाना चाहिए। अब वेदी को अपन देखते हैं, वेदी को देखते हैं, बोलो ठीक है ना। ये हाँ लेंथ, अभी इसको नहीं लेना अपन को, अपन तो टोटल ले रहे हैं ना। हाँ हाँ गहराई,
सामने की ना, ये पूछ रहे ना आप, बताता हूँ ये क्या कहलाई आपकी चौड़ाई, ये क्या है और ये गहराई और ये ऊंचाई। तो अब देखते हैं, माना कि कोई वेदी है, इस वेदी की ऊंचाई 45 इंच है, कितनी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई और गहराई 51 इंच है माना कि। तो जो सामने की क्या है वो लंबाई, जो सामने की लंबाई हो कितनी है माना कि 81 इंच की है, कितनी। तो अब फॉर्मूला क्या आएगा, 45, 81, 51 का परस्पर में गुणा करो, 45, 51, 81 कितना आया, हजार में नहीं जाएगा, बोलो 8.95। अब इसको भागे किससे करना है, 8 से, कितना आ रहा है बताइए, कितना आया, 2, 3, 2, 3, 6.87। अब आप इसको निकालो करके डिवाइड, कितना आ रहा है, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8, 24, 2, 9, 8
पांच आए ना आखिरी में, इसकी आय कितनी आई? गज आय है। कौन सी आय है इसकी? इस वेदी की आय कौन सी है? गज आय। ध्वज आय चाहिए हो तो, हमको ध्वज आय चाहिए। ध्वज आय कैसे निकालेंगे? आज का विषय भूलना नहीं, कैसे निकाले मंदिरों की वेदी की आय। आपके मंदिर की वेदी शुभ है कि अशुभ जान लें, और उसके उपाय भी आपको बता देंगे आज हम। टोड़ा फोड़ी वाला कोई उपाय नहीं, जिसने बनवाई उसका पैसा लगा है, कारीगर की मेहनत लगी है। सुनिए, ये आया समझ में? अगर एक कटली की होती तो यहां तक का लेते। अब क्या होता है, 45 इंच टोटल ले ली अपन ने हाइट, टोटल आय निकाल ली। अब उसके अनुसार यहां यहां कटली सेट कर ली। बताते हैं देखो, इसकी आय कितनी आई? 45 गुणित 51 गुणित इसकी आ गई आय 7। अपन को तो एक आय चाहिए है। तो बोले थोड़ी बहुत कम कर सकते? बोले हाँ भैया, आप थोड़ी बहुत तीनों जगह परिवर्तन कर सकते। कोई बोले कि चौड़ाई नहीं करना तो दो जगह परिवर्तन करना, कोई बोले तीनों जगह कर सकते तो तीनों जगह कर लेना, थोड़ी थोड़ी बड़ी करते हैं। 43, 53 और 83 कितना आया? 109 इसको डिवाइड कर दो, सही आया ना? 8 से डिवाइड करो, क्या आया? 2, 3, 6, 4, 5, 6, 5। इसकी भी नहीं आएगी आए, इसकी 5 आ रही है। ये कम कर दिया आपने उसमें से 6 से, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो क्या आता है, करके देखते हैं। 8, 2, 16 आखिरी में क्या आएगा? 6 के से आ गया, 1 और 5 है ना, ये 3 बचा ना अपना, 5 आ रहा है। आखिरी में क्या आया अपना? 32, 8, 8, 32 है, 5 आ गया, 5 आ गया, 5 32 हां 5
पांच बजे की थी। और कई लोग क्या करते हैं, पॉइंट मान लो आए हैं, पॉइंट मान लो आए हैं, वो गलत है। कितनी आई अपन को, क्या आए चाहिए थी, एक आए हमारा, उसमें एक आए बोली है, तो अब सेकंड फॉर्मूला और बनाओ, करो चेंज करके बनाओ, किसका क्या निकलता फटाफट निकाल। अपन को तो आए एक निकालना है आज, ध्वज आए निकालना है आज, लेकिन इतनी कम भी मत कर देना कि अपन 40 कर दो, उसी के आसपास खेलो, और जितने आप और रखोगे उतनी जल्दी निकलेगा। इसका टोटल एक जन हमारे साथ हो जाओ, बाकी वहां खेलते रहो। 47, 51, 81 कितना आया, डिवाइड बाई 8 0 पॉइंट सिक्स नहीं आएगा। चलो एक काम करो, उसको करो 45, 53 करो, जरा ये 0.125 मिल जाए, मतलब ध्वज आ जाएगी, डिवाइड बाई 8 कर लो। हाँ, ये वाले में 45, 53 और इसमें आएगा, बताओ कितना आया, नहीं 1 क्या है, इंटू क्या है इसका, 1 8 1 9 3 1 8 5 कितना आया इसका, 24, 48. अब देखो 8 × 16, 8 × 32, 8 × 1 = 8 और 8 × 32 6 × 5 8 × 64 बचा कितना, एक ध्वज आए अपनी आ गई, इसमें ध्वज आए आ गई अपनी। ऐसा कोई विद्वान निकालता क्या आज के समय, बहुत कम विद्वान निकालते, ये ध्वज आए, सॉरी। और वेदी के आउटर लेवल से नापना, किससे, वेदी के आउटर लेवल से, इनर लेवल से नहीं करना, मार्बल लगने के बाहर का हिस्सा, मार्बल फिट होने के बाद हमको ये आय चाहिए। तो वेदी छोटी बनेगी ना, जैसे हमको भाई उसको बोलेंगे हमको आउटर एरिया इतना चाहिए, तो उतना अंदर ईंटें कम लगाएगा। अब वो बात हो गई भैया, ये तो आय फाइनल हो गई, ये 53 की हो गई, ये 45 की ठीक हो गई अपनी, थोड़ी से चेंज में आ गई। अब विशेष बात सुनना, आप कटली कितनी इंच की देना उससे पूछ लो, तो बोले हाइट, पहली हाइट कितनी चाहिए, बोले हमको तो 35 इंच की चाहिए, ठीक है भैया, बचा कितना अपने पास 10 इंची, तो भैया 3 4 दे पाएंगे, 3 इंची की एक, 3 इंची की तो 4 इंची की दो, अथवा यहाँ 2 इंची कम कर दो, तो आप यहाँ पर 6 इंची कर सकते हो। अब किसी मंदिर की वेदी की आय माना कि ये है कौन सी, और ये करना है, वेदी की आय ये थी और ये करना है, तो क्या करना है, तो बोले अपन ने जो अंदर की गहराई थी उसको 2 इंची बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, अब आप 2 इंच की मार्बल की पट्टी लगा दो, हाइट बढ़ाना है तो यहां पर मार्बल की पट्टी लगा दो, पीछे लगा दो, साइड में लगा दो। अपन विद्या पैलेस में थे ना, उनकी आय गड़बड़ है, अगर कोई विद्या पैलेस वालों को, मयंक को जानता है, मयंक नंबर हो उसको बोल देना, बेटा अभी ध्वांस आए हैं, मंदिर का विकास नहीं हो पाएगा जब तक ध्वज आय नहीं होगी, हम उसकी ध्वज आय बना के आए हैं, वेदी नहीं तोड़ना, केवल आप उतने उतने इंची का मार्बल उसमें फिट कर दो, तो वेदी की आपकी आय बढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसकी देख लेंगे अपन,
अगर एक आध इंच का अंतर होगा तो अपन एक इंच के मार्बल लगा देंगे। वेदी तोड़ना नहीं है, बन चुकी है ना, क्योंकि और नहीं बनी तो प्रॉपर बनवा। आ गया समझ में? जो वेदी बन चुकी है उसको तोड़ना नहीं, जो वेदी बन चुकी है उसको तोड़ना नहीं, उसका उपाय करना, और नहीं हो पाए फिर अपन उसको तोड़ेंगे। अब उपाय नहीं होगा तब देखेंगे। हाँ, जैसे मार्बल का स्टेप सबसे ऊपर है और आपको हाइट बढ़ाना है 3 इंची, तो पूरा मार्बल ना लगा के आप 3 इंची की मार्बल की पट्टी लगा दो, सामने बढ़ा दो। अब जैसे ये सुनो, ये स्टेप है, इस पर आपने अगर 3 इंची बढ़ा दिया आगे तो भी स्वीकार है, नीचे 3 इंची बढ़ा दिया तो भी स्वीकार। डिजाइनिंग नहीं होती आगे तक, तो टोटल आगे एंड पॉइंट तक लेना। अगर ये बढ़ा हुआ है तो आए को यहां से गिनेंगे हम, फिर गहराई को, और ये बड़ा होगा तो यहां तक गिनेंगे कहां। हाँ वो उससे कोई, हमको तो हाइट से मतलब है ना भाई, आपने यहां तक की हाइट देखी है तो यहां तो नीचे ही है ना, हॉलो नहीं है, वो नीचे है। जैसी टेबल है हमारी जो है ये ऐसी है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट यहां से नापेंगे कि यहां से आगे से ऐसे। कभी आप अपन अपने वेदी की आय नाप लो कितनी है, जो प्रमाण अपने को दिया है आगम से नाप लो, बराबर है तो अच्छी बात, नहीं है तो अपन ठीक कर लेंगे, 1 इंच की पट्टी लगा देंगे, इतने में कोई इशू नहीं होगा, उससे कोई इशू नहीं होता। कब्जा है, कब्जा समझते, कब्जा आकाश के प्रदेशों में कितना कब्जा है वो आपकी आय, आकाश में से कितनी आय कर ली आपने वो कहलाती है। आ गई हाँ, तो साइड में पट्टी लगा दो, नीचे कोई भी तरफ लगा दो। हाँ नहीं, सेंटर से लगाना पड़ेगी आपको, भगवान क्योंकि मूल नायक सेंटर में रहेंगे। 1 इंची यहाँ, 1 इंची यहाँ, आधा इंची यहाँ, आधा इंची वहाँ, ऐसा। मतलब बेढंग थोड़ा ना करेंगे कि रोटी रोटी खा लो एक बार, फिर दाल दाल खा लो दूसरी बार, सब्जी सब्जी खा लो तीसरी बार, नमक खा लो चौथी बार, सब कच्चा था तो गैस पे बैठ जाओ, वो नहीं हो पाएगा। समझ गए? ये क्या हो गई? अपनी वेदी की आय। बोलो बेटा, जैसे हाइट बढ़ाना है इसकी, तो आपने मार्बल की पट्टी लगा दी यहाँ पर तो आपकी हाइट बढ़ गई। अब माना कि 11 इंची हाइट बढ़ाना है तो आप ऐसे तो नहीं बढ़ा पाओगे, फिर आपको 11 इंची मार्बल का पूरा मोटा मार्बल लगाओ, वेदी नहीं तोड़ना तो, और किसी कारण से वेदी बदलना पड़ेगी तो बदलो। नहीं होंगे, क्यों नीचे होंगे, कमल है ना भगवान के ऊपर तो। हाँ आया आपको समझ में ये कि नहीं आया भाई? अब आपको एक वेदी बनाने का हम आपको डिजाइन दे दे रहे, आप कल वेदी बना के लाना। एक ऑर्डर आया अपने पास, उसको 108 इंची ऐसी चाहिए है, कैसी 108 इंची लंबाई, और उसको चाहिए 51 इंची ऊंचाई, और गहराई वो कह रहा है कि हम 60 इंची में हमारा काम चल जाएगा। जब आप मोबाइल से करो वो 0.125 बचे, मतलब एक है, क्योंकि उससे कम तो होगा ही ना, तो एक निकालने के लिए 125 से डिवाइड, 1.125 बचे मतलब एक है, आए ध्वज आए, कितनी बोली हमने 108 और 51 इंची ऊंची और गहराई 60, उसकी ये वेदी का साइज है, उसको ये चाहिए। अब बनाओ इसकी ध्वज आए कैसे बनेगी, इसकी तो 0 आएगी, फिर अपन थोड़ी कम ज़्यादा करके, ज़्यादा नहीं करना तो आप 108 को 121 कर दो, नहीं कुछ कम करो तो आएगी, ठीक है। अब अपन कल अपन मनुष्यों की आय देखेंगे, किसकी किसकी, मनुष्यों की आय बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई गाड़ी ली, फली नहीं कार, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई घर बनवाया हो वहां रह नहीं पाते, कई बार आपने कमरा बनवाया उसमें रह नहीं पाते, बेडरूम बनवाया लेकिन सोता व्यक्ति बाहर ही है, बनवा लिया बेडरूम लेकिन सोएगा कहाँ, वो बाहर वाले रूम में, वो चीज उसको सूट नहीं हो रही। कई बार चीजों का नियोग ऐसा बनता है कि वो बहुत समय तक आपके साथ रहती है, ये नियोग कहलाता है, इसको आय से मैच करना पड़ता है, चाहे दुकान का काउंटर हो, घर की टेबल हो,
हाँ आदमी में नहीं करेंगे इसमें कम, आदमी में कम ज्यादा नहीं करेंगे, वहां पर घर पे करेंगे। ठीक है, ये अपनी जो आय है मनुष्य की आय, प्रश्न नंबर 129 में वत्तु विद्या में दिए, कल अपन इसके बारे में देखेंगे। आज अपन ने वेदिका की आय निकालना सीखा है, ठीक है ना, कोई आपको ठग नहीं सकता, अब अपने पास पूरा आय का प्रमाण है, लिखना हो तो लिख सकते हो आप। मंदिर के पहले फ्लोर की जितनी हाइट हो उससे 1.5 गुना शिखर होता है। मंदिर के फ्लोर की जितनी हाइट है फर्स्ट फ्लोर की उससे 1.5 गुना कम से कम शिखर होना चाहिए। कितना मानना कि 20 फीट की हाइट है तो कम से कम 30 फीट का शिखर होना चाहिए कम से कम, और शिखर की जितनी हाइट हो उसका 1/5 भाग कलश होना चाहिए। कलश मतलब 20 फीट का अपना फ्लोर है तो 30 फीट का शिखर और 6 फीट का कम से कम कलश हो, और कलश से 5 फीट ऊंची ध्वजा। ध्वजा कभी भी पीतल की ना लगाएं, ध्वजा हमेशा कपड़े की ही लगाएं। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, बोले कौन बार बार चढ़ेगा, पीतल की लगा दो एक बार फ्री, बदलो तो नहीं पड़ती, 2 दिन में महीने भर चलती है। जैसे आप 5,000 की साड़ी लाते ना, हथकरघा की धोती लाते, वैसे अच्छा लगाओ ध्वजा, मोटे कपड़े का लगाओ, अच्छा फटेगा तो फिर बदलेंगे ना। कलश शिखर से 1/5 भाग और ध्वजा शिखर से 5 फीट ऊंची, 6 फीट हो गया कलश, 1/5 भाग है ना, आ गया विषय, 5 फीट ऊंची ध्वजा। कभी भी बदल लो आप तो उसमें क्या इशू है, और आजकल सब सिस्टम हो गया चेन पुली के, आप ऊपर चढ़ना भी नहीं पड़ता, नीचे से बदल जाती है, झंडोरोहण जैसा बढ़िया सुंदर ध्वजा लो फिर काम बनेगा। जो व्यक्ति किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, किसी का कोर्ट केस चल रहा हो अथवा उसकी कहीं भी जाओ विजय नहीं होती, उसको 2 ध्वजा लेके जाना चाहिए जिनालय में, एक जिनालय में चढ़ाओ और एक जिनालय की वेदी का स्पर्श करा के अपने घर पर लगा दो, ला करके नैऋत्य फेस में ऊपर, कोई भी केस होगा वहीं खत्म। हाँ किसकी, अरे ध्वजा बदलो, ध्वजा चढ़ाओ ना दूसरी, ध्वजा चढ़ाओ ना, वो ध्वजा उतार के मत लगाना घर पे, दूसरी ध्वजा लगाना, वहां ध्वजा चढ़ाकर अपने घर में ध्वजा चढ़ाना, 100% जीत मिलेगी। ये हमारा नहीं है, ये ज्योतिष और वास्तु और भद्र भाव संहिता में लिखा विषय, शेष कल देखेंगे, भगवान महावीर स्वामी की।